हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो बाय विजय में। दोस्तों, अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो साथ में लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग के बारे में। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज हम इस वॉशिंग मशीन के बारे में जानने वाले थे। फ्रेंड्स, आइए इस पहले हम इस वॉशिंग मशीन को चलाकर देखते हैं कि इस मशीन में समस्या क्या है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, इसको हमने पावर प्लग में प्लग लगा दिया है। अभी इसको हम ऑन कर देखते हैं कि इसमें क्या समस्या है। फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मशीन है वो काफ़ी आवाज़ और काफ़ी वाइब्रेशन कर रहा है। फ्रेंड्स, कस्टमर कहना है कि फ्रेंड इसी तरीके से आवाज़ और वाइब्रेशन करने के साथ साथ ये अपना आप स्लो चल रही है। फ्रेंड्स, तो आइए फ्रेंड्स हम इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। फ्रेंड्स, किस तरीके से प्रॉब्लम और आवाज़ कहाँ से आ रही है। सबसे पहले दोस्तों हम इस पल्स हीटर को है जो कि इसको खोल कर देखते हैं कि क्या आवाज़ पल्स हीटर में से आ रही है या कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें जो बीच में आपको एक बोल्ट दिखाई दे रहा है, इस वाले बोल्ट को हम पहले रिमूव करते हैं। फ्रेंड्स, पहले इस बोल्ट को खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, आप पेचकच की सहायता से बोल्टों को आराम से खोल सकते हैं। फ्रेंड्स, बोल्ट के खोलने के पश्चात फ्रेंड्स, आप इसमें ये जो है हमारा लॉक वाला अड़ा हुआ रहता है। फ्रेंड्स, इसको आप पेचकच की सहायता से ऊपर उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप इसे पेचकच की सहायता से आराम से हम ऊपर टोक सकते हैं। फ्रेंड्स, जो कि हमारा पेचकच की सहायता से ये निकल जाएगा। फ्रेंड्स, ये निकलने रहा है, ये देखिए फ्रेंड, ये निकल गया है। फ्रेंड्स, इसे निकालने के बाद हम इस मशीन के बाहर इसे कर लेते हैं। ये ऐसे ही रहा, अब इसमें डबल लॉक नहीं रहता है। फ्रेंड्स, ये निकल गया। अब इसके बाद में हम इसको वापस से चेक करेंगे। फ्रेंड्स, क्या फिर भी आवाज़ आ रही है हमारी, ये आवाज़ नहीं आ रही है। फ्रेंड्स, तो फिर इसे हम वापस से चालू करके देखते हैं, पावर देकर इसमें ये फिर भी आवाज़ कर रहा है। फ्रेंड्स देखिए, इसके बाद भी इसमें से आवाज़ आ रही है। तो इसका मतलब है कि फ्रेंड्स हम इसे चेक करने वाले हैं कि इसमें से आवाज़ कहाँ से आ रही है। फ्रेंड्स, इसके लिए हम चलते हैं मशीन के बैक पैनल में, यहाँ पीछे की साइड में। यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमारी मशीन में से आवाज़ कहाँ से आ रही है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस मशीन के साथ में से जो इसका गियर बॉक्स है उसमें से हम ये बेल्ट अलग करके देखने वाले हैं। फ्रेंड, ये मशीन में से तो हमारी ये जो वॉश मोटर है हमारी, इसमें से तो आवाज़ नहीं आ रही। उसके लिए सबसे पहले हम इस बेल्ट को यहाँ से रिमूव करेंगे। फ्रेंड, सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये बेल्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से बेल्ट निकालने के बाद हम इसे वापस से चेक करेंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो यहीं से इस बेल्ट या अपनी जो इस वॉश मोटर है इसमें से आ रही है किसमें से आ रही है। दोस्तों, यहाँ एक छोटी मिनी वॉशिंग मशीन है, इसमें सिर्फ वॉश मोटर है, इसमें स्पिन मोटर नहीं दी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ एक ही, इसमें एक ही मोटर दी जाती गई है, एक छोटी मशीन है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसे बेल्ट को निकाल लेते हैं। यहाँ से बेल्ट को निकालने के बाद वापस से फ्रेंड्स हम इसे चेक करने वाले हैं, हमारी जो वॉशिंग मशीन है जो मोटर है वो आवाज़ कर रही है या फ्रेंड्स हमारा गियर बॉक्स आवाज़ करेगा। फ्रेंड्स, अगर मोटर हमारी सही चलेगी तो फिर हम अपने गियर बॉक्स ख़राब है। फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले मोटर चेक करने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, मोटर जो है हमारी एकदम टफ चल रही है, यानी कि मोटर में से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मोटर एकदम फ्री और अच्छी स्पीड से चल रही है। फ्रेंड्स, यानी कि हमारा जो है कि गियर बॉक्स से ही प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स देखिए, मोटर जो हमारी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी मोटर सही है और हमारा पल्स हीटर भी सही है। इससे पहले दोस्तों हमें गियर बॉक्स ही देखना होगा। गियर बॉक्स के लिए हमें पहले ये बोल्ट है फ्रेंड्स, इनको हमें रिमूव करना होगा और जो हमारा ये गियर बॉक्स है फ्रेंड्स, हमें इस गियर बॉक्स को खोलना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे हमने इसको रिमूव कर लिया आपका टाइम बचाने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इसे खींचोगे तो इस तरीके से खुल जाएगा। फ्रेंड्स, ये पूरा अलग हो जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें स्पिन मोटर नहीं, इसमें सिर्फ एक ही मोटर लगाई गई है कंपनी द्वारा। फ्रेंड्स, इसमें हमें इस गियर बॉक्स खोलना, और गियर बॉक्स खोलने के लिए फ्रेंड्स आप जो इसमें गियर बॉक्स देख रहे हो, इसमें जो पीछे की साइड जो ये नट है हमें ये खोलना होगा। फ्रेंड्स, हमें जान लेते हैं कि हमारा जो गियर बॉक्स है ये क्यों ख़राब होता है। फ्रेंड्स, गियर बॉक्स जो है कस्टमर की गलतियों की वजह से ख़राब होता है। कस्टमर क्या करते हैं, कई बार जो इसमें कि कपड़ों को अधिक मात्रा में डाल देते हैं, पानी कम डालते हैं। जब फ्रेंड्स, जब पानी अधिक
कम मात्रा में रहेगा, कपड़ा अधिक मात्रा में रहते हैं तो क्या होता है कि पल्स हीटर पर कपड़ा अगर टकराते हैं और उसकी वजह से पल्स हीटर जाम होता है, और जाम होने की वजह से क्या है कि इसमें फिर जो उसके अंदर जो गियर बॉक्स के अंदर जो गिर्रिया होती है उससे भी प्लास्टिक फॉर्म में होती है और इससे वो आटे कट जाते हैं, और इसकी वजह से फिर क्या है कि हमारा जो स्पीड है वो नहीं बन पाता है। तो फ्रेंड्स पहले हम इसको रिमूव करेंगे, फ्रेंड्स पेचे से हम नट खोल लेंगे, अगर हमारा ये गियर बॉक्स का पंखा निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलेगा तो हम इसे पूरा ही गियर बॉक्स को बाहर निकालेंगे, क्योंकि हमें पूरा ही गियर बॉक्स चेंज करना है, ये पूरा ही गियर बॉक्स ख़राब हो चुका है। फ्रेंड्स आप इसमें जो बोल्ट देख रहे हो पेचकस की सहायता से आप इन बोल्टों को खोल लें। फ्रेंड्स इसमें 5 से 6 बोल्ट है जो कि इसमें हमें रिमूव करना होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए पहले हम इन सब 5 सभी बोल्टों को खोल लेते हैं। फ्रेंड्स ये आप जो देख रहे हैं साइडों में आपको दिखाई दे रही है, ये जो है फ्रेंड्स यहाँ से हमें ये बोल्ट को खोलना होगा। फ्रेंड्स इन बोल्टों को खोलने के पश्चात ही हमारा जो गियर बॉक्स है वो बाहर आएगा। फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि हमारा जो गियर बॉक्स है काफ़ी डग भी खा रहा है और इसी में से आवाज़ें आ रही है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले हम गियर बॉक्स के 5 नटों को खोल लेते हैं फ्रेंड्स, और गियर बॉक्स को खोलने के बाद हम फ्रेंड्स इसको यहाँ से इस तरह से धक्का लगाएं, लगता है फ्रेंड्स एक आध और बोल्ट कहीं रह गया है, मैं अच्छी तरीके से देख लेता हूँ फ्रेंड्स। पहले फ्रेंड्स देखिए ये हमारा जो है कि लास्ट बोल्ट रह गया फ्रेंड्स, जिसे भी हम खोल लेते हैं, और आप देख सकते हैं इसमें कोई ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं, इसका जो गियर बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसमें ये जो है कि हमारा जो है गियर बॉक्स ख़राब हो चुका है, हमें इसमें न्यू ही गियर बॉक्स असम्बल करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम पुराने ही गियर बॉक्स में अगर कुछ मोनिटाइज करेंगे तो वो नहीं चलता है फ्रेंड्स, क्योंकि पुराने गियर बॉक्स को हम अच्छी तरह से सेटिंग करना पड़ता है फिर, इसलिए हम पूरा ही न्यू गियर बॉक्स चेंज करना। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स कि कभी आपके अगर वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स ख़राब हो तो आपको पूरा ही न्यू ही गियर बॉक्स उसमें डलवाना चाहिए या डालना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि पुराने गियर बॉक्स में आप अगर सोचते हो कि मैं कोई जुगाड़ फंदा करके इसको चला दूँ फ्रेंड्स ये नहीं चल पाएगा, 2-4 दिन चलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारे कस्टमर है इन्होंने इससे पहले इसको कहीं सर्विसिंग इसकी करवाई है फ्रेंड्स, जो कि इन्होंने उनसे 500 रुपये चार्ज भी किए इन्होंने फ्रेंड्स। ये हुआ इसमें यूँ है कि उसने चलाया और ये 2-4-8 दिन चली और इसमें वापस से वही समस्या आ गई, यानी कि इसने इसमें न्यू गियर बॉक्स डालने की वजह कोई पुराना गियर बॉक्स इसमें डाल दिया जिसकी वजह से सक्सेस नहीं हुई है फ्रेंड। इसमें हम न्यू गियर बॉक्स डालने वाले हैं, जो कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड, इसलिए हम उसको अगले वीडियो या दूसरा पार्ट में हम आपको उसको बताएंगे कि इसमें न्यू गियर बॉक्स किस तरह डाला जाता है। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि गियर बॉक्स को बाहर कैसे निकाला जाता है या गियर बॉक्स को रिमूव कैसे किया जाए फ्रेंड। चाहे वॉशिंग मशीन कोई भी हो, वाश मोटर के सभी गियर बॉक्स इसी माध्यम से खुलते हैं, स्पिन मोटर का जो होता है खोलने का वो थोड़ा अलग होता है, ताकि स्पिन मोटर के सभी प्रकार के स्पिन मोटरों का गियर बॉक्स इसी प्रकार का होता है और इसी तरीके से वो खोला जाता है फ्रेंड। फ्रेंड इसमें हम न्यू ही गियर बॉक्स डालेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में और उसमें हम आपको बताएंगे कि न्यू गियर बॉक्स किस प्रकार से डाला जाता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।